हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफशास टेस्टी फूड। होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुरादाबाद की फेमस चिकन बिरयानी। कुछ लोग इसको चिकन बिरयानी कहते हैं, कुछ लोग इसको यखनी पुलाव कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। इस बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और आप इसको बहुत ही ईजी वे में घर पर बना सकते हैं। टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं, ये लाजवाब है। मैं इसको बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में बनाऊंगी, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सारे स्टेप अच्छे से समझ आ जाएं। तो सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं यखनी रेडी। तो यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 800 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने यहाँ अपने चिकन को एक ढक्कन सिरका डाल के, जो वाइट वाला सिरका होता है, उसमें डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। इससे क्या होता है, एक तो आपका चिकन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, आप देख सकते हैं, और जो इसमें एक चिकन की स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। बावर्ची वगैरह क्या करते हैं कि वो चिकन को बिल्कुल इसी तरह से वॉश करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी वॉश कर सकते हैं, या आप इसको स्कीप करके नॉर्मली जैसे वॉश करते हैं वैसे भी इसको वॉश कर सकते हैं। मैंने चिकन के पीसेस थोड़े बड़े लिए हैं, आप चाहें तो आप इसे छोटा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। चिकन को मैंने अपने पॉट में डाल लिया है। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ऐड करूंगी, और 2 मैं यहाँ बादियानी के फूल यानी कि स्टार एनिस, और कुछ लोग इसको चक्रफूल भी कहते हैं, और 6 से 7 लौंगे ऐड करूँगी। 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करूँगी। 4 इसमें मैं हरी इलायची ऐड करूंगी। 1 जावित्री का फूल ऐड करूंगी। अब जितने भी खड़े मसाले हैं उनको मैं इमाम दस्ते में डालकर कूट लूंगी। कूटने से क्या होगा कि हमारी यखनी जो है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है, सारे फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं। अब मैं इसको चिकन में ऐड कर दूँगी, और इसको ऐड करने के बाद मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैं रफली चॉप्ड करके वो भी मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 इंच का अदरक। अदरक को भी मैं बस रफली चॉप्ड करके और वो चिकन में ऐड कर दूंगी। अदरक ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ऐड करूंगी, और 5 से 6 मैंने यहाँ लाल मिर्च ली है वो ऐड कर दी है। 1 चम्मच सौंफ ऐड की है, और 1 चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया ऐड करूंगी, और साथ ही में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, और 1 लीटर मैंने इसमें पानी को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करूंगी, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको मैं अब ढक देती हूँ। तो अब मैंने यखनी को ढक दिया है, अब यखनी बनने के लिए रख दी है। हमें यहाँ पर यखनी में चिकन को सिर्फ 50% ही कुक करना है, पूरी तरह कुक नहीं करना है। जब तक हमारी यखनी बनती है हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ 500 ग्राम चावल लिए हैं, और ये चावल जो हैं वो कच्चा बासमती चावल है। देखिए, अच्छी बिरयानी या पुलाव बनाने की पहली शर्त ये होती है कि आपका जो चावल हो वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। मैंने क्वान्टिटी चिकन की ज़्यादा ली थी, आप चाहें तो जितने आपके चावल हों आप सेम रख सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से वॉश करके और मैं इसको 25 से 30 मिनट के लिए भिगोकर रख देती हूँ। अब यखनी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यखनी हमारी बन रही है। अब मैं इसे खोलकर चेक कर लेती हूँ। अब मैं इसमें ये चेक कर लेती हूँ जो मैंने इसमें चिकन के पीसेस हमारे वो 50% कुक हुए हैं या नहीं। तो एक पीस निकाल कर मैं इसको चेक कर लूँगी। देखिए, चिकन हमारा 50% कुक हो चुका है। अब बस मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूँगी और यखनी को थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। जब हमारी यखनी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसमें से जितने भी हमारे चिकन के पीसेज हैं वो निकाल लूँगी। तो बस एक एक करके मैं सारे पीसेज ऐसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक एक करके मैंने सारे पीसों को अपने निकाल लिया है, और जो इसमें लाल मिर्चें मैंने ऐड की थी वो भी मैंने निकाल ली है। वो मैं बिरयानी के साथ इसमें ही ऐड करूँगी, और मैंने पानी भी यहाँ पे छान लिया है। इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने बाहर निकाल दी है। अब इसमें हम पानी को एक बार उबाल लेंगे। जैसे इसमें एक उबाल आ जाएगा, आप देख सकते हैं आ गया है, बस अब इसमें मैं आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें 3 तेज़पात पत्ते ऐड करूंगी।
तेज़पात की पत्ती इस टाइम इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो बिरयानी का कलर होता है वो बदल जाता है तेज़पात पहले ऐड करने से, और हमें इसको बिल्कुल ऐसा बनाना है जैसे कि मुरादाबादी बिरयानी होती है, सेम उस कलर के साथ बनाना है। तो मैंने अब ऐड किया है यहाँ पर। आज मेरे साथ पोपट हो गया, मैं जब ये शूट कर रही थी पता नहीं कैसे मेरा कैमरा बंद हो गया और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। बट मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कॉमेंट कर पूछ सकते हैं। मैंने ऐड किया था 2 चम्मच कटा हुआ बारीक अदरक, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 कप मैंने इसमें तेल ऐड किया था। कप जो था वो मेरा छोटा वाला था। और 1 चम्मच काली मिर्च ऐड की थी, 5 से 6 लौंग ऐड की थी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 फूल जावित्री का, 5 हरी इलायची, 7 से 8 हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने इसमें ऐड किए थे और 1 मैंने इसमें नींबू का रस ऐड किया था और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये सब ऐड करने के बाद मैंने इसमें अपने जो चावल भिगो कर रखे थे वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, और नींबू मैंने इसमें इसलिए ऐड किया था उससे हमारे चावल खिले खिले बनते हैं। वीडियो अपलोड करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो शूट नहीं हो पाए, बट मेरे हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर्स बोले कि बहुत जायकेदार बिरयानी बनी है, आप इसको ज़रूर अपलोड करें। चिकन बिरयानी मैंने डिमांड पर बनाई है, इसे बनाने के लिए मेरे पास कमेंट आए थे। तो बस यहाँ पे ढककर मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए बना लेती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैं आपके साथ बहुत मज़े की एक चटनी भी शेयर करूँगी जो ज़्यादातर बिरयानी के साथ खाई जाती है। तो फिर चटनी बनाने के लिए 2 टमाटर, 8 से 10 यहाँ पर मैंने लाल सूखी मिर्ची ली है और कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं। बस आपको सिंपली क्या करना है, एक मिक्सी ब्लेंडर जार में डालकर और इसका हमें फाइन पेस्ट रेडी कर लेना है। अब इसमें मैं टमाटर वगैरह काट के थोड़ा सा नमक डाल के और पानी डालकर मैं इसको रेडी कर लूँगी। तो देखिए चटनी हमारी हो चुकी है रेडी। बिरयानी बनते बनते 8 से 10 मिनट हो चुके थे। यहाँ मैंने 1 चम्मच केवड़ा वाटर में 1/2 चम्मच से भी का कलर लेकर पूरी बिरयानी पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब बिरयानी को ढक के दम करने के लिए रख देते हैं। 1/2 कप ऑयल लिया है और ऑयल को मैं अच्छे से हीट करने के बाद यहाँ मैंने 1 प्याज ली है और प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब हम इस तरह से ऊपर से बघार कर बिरयानी बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमें प्याज को सिंपली स्लाइटली ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो बस इसको हम ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल से बिरयानी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता और मस्टर्ड ऑयल से बिरयानी का कलर चेंज हो जाता है, येलोइश टोन में हो जाता है। तो रिफाइंड ऑयल मैं इसलिए यूज़ किया है, आप लोग भी कोशिश करें कि रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करें। तो बस हम अपनी सारी प्याज को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने अपनी सारी प्याज जो है वो एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दी है। बिरयानी भी हमारे अच्छे से दम पे जो हमने लगाई थी वो अच्छे से दम हो चुकी है। अब जो हमने बघार रेडी किया था वो हम अपनी बिरयानी के ऊपर अच्छे से डाल देंगे। हमने जो प्याज फ्राई की थी बस अब वो मैं इस पर डाल देती हूँ बिरयानी के ऊपर, और बस अब इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए और सेट होने रख देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके थे बिरयानी को मेरे सेट होते होते। बिरयानी के पॉट को मैंने अच्छे से हिलाया है और देखिए कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो हमने ऑयल डाला था बघार करके वो भी अच्छे से इसके में बैठ चुका है। बस बिरयानी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनकर रेडी हुई थी, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मुरादाबादी चिकन बिरयानी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। आप इसको सैलेड के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।